गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं संस्कृत से आपको पाठ पांच अस्माकं परिवारः पढ़ाऊंगी। अस्माकं परिवारः मतलब हमारा परिवार। हमारा परिवार क्या है? हमारे परिवार में कौन कौन रहता है? हमारा परिवार हमारे लिए कितना जरूरी है आप लोग जानते ही हैं। जैसे कि आपके घर में मम्मी पापा हैं, आपको कितना हेल्प करते हैं? हर काम में मम्मी पापा हेल्प करते हैं ना। हर काम में मम्मी, आपको खाना चाहिए तो मम्मी, कहीं भी जाना है तो पापा के साथ जाते हैं, मम्मी के साथ जाते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आपकी मम्मी और पापा उसको पूरा करते हैं। तो आपके घर में, आपको परिवार में कौन कौन रहते हैं आपको पता है? आपके परिवार में मम्मी पापा रहते होंगे, भाई बहन है, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, चाचा चाची के बच्चे हैं, है ना, रहते हैं ना। तो परिवार एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार रहना बहुत जरूरी है। अगर हम परिवार में नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे तो हमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। वैसे ही हमारे लिए परिवार हमको बहुत जरूरी है। तो चलिए हम अस्माकं परिवार, इसमें है, हम आपको संस्कृत भी बताएंगे, इसका हिंदी भी बताएंगे। संस्कृत में देखिए जनपद, जनपद किसे कहते हैं? जनपद, जनपद का अर्थ होता है पिता। जनका का अर्थ होता है पिता, जो हमको जन्म देते हैं, जो हमको जन्म दिए हैं वो जनपद पिता। अब देखिए जननी, जननी कौन है? जननी है माता। जननी जन्म देने वाली माता, जननी। अब देखिए भ्राता, भ्राता किसे कहते हैं? भाई। किसे कहते हैं? भाई। भगिनी किसे कहते हैं? बहन। आपके होंगे ना भाई होंगे, बहन होंगे, तो भ्राता, भाई, भगिनी, बहन। अब देखिए पितामह, पितामह हम किसको कहते हैं? पितामह हमारे दादा, पितामह हम दादाजी को पितामह बोलते हैं। आपके घर में भी दादाजी होंगे ना, दादाजी जो कि बच्चों के लिए बहुत प्यार, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बच्चे भी दादाजी को अपने बहुत प्यार करते हैं। पितामही, पितामही किसको कहते हैं? दादी को। किसको कहते हैं? दादी को। पितामह दादा, पितामही दादी। अब एक और पितृव्य, पितृव्य हम किसको कहते हैं? पितृव्य कहते हैं हम चाचा को। किसको कहते हैं? चाचा। पितृव्ययी, पितृव्ययी हम किसको कहते हैं? पितृव्ययी कहते हैं हम चाची। तो चलिए एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं। जनक पिता, जननी माता, भ्राता भाई, भगिनी बहन, पितामह दादा, पितामही दादी, पितृव्य चाचा, पितृव्ययी चाची। ठीक है, आप लोग अच्छे से आ गया होगा ना। कि और एक बार मैं बता दूं, देखिए आपके संस्कृत के बुक में है पेज नंबर 80, है ना, पेज नंबर 80। आप इसको अच्छे से एक एक शब्द आप देखिए ध्यान से। जनक पिता, जननी माता, भ्राता भाई, भगिनी बहन, पितामह दादा, पितामही दादी, पितृव्य चाचा, पितृव्यय चाची। ठीक है, आप लोग इसको घर में अच्छे से पढ़िएगा और इसको अच्छे से याद करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।